वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप तो गाइस मैं आज ट्यूजडे बाज़ार जाने वाला हूँ, तो चलते हैं गाइस, देखते हैं ट्यूजडे बाज़ार कैसे होता है। और यहाँ में खड़ा है मेरा FZS V3, तो गाइस इसको चला के जाएगा अभी। गाइस मेरे पास कैमरा भी नहीं है अभी, वो तो बता ही दिया था आगे वाला ब्लॉग्स में, क्योंकि कैमरा अभी नहीं है फिलहाल। तो गाइस रुक रुक के बात करेगा, चलते हैं। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ में रॉक फिलिंग लैंडस्लाइड जोन अहेड बोला, ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा पत्थर गिरता है गाइस, जो कि ये जोलांग में है, जोलांग जाने वाला रास्ता। गाइस अभी मैं चंद्रा नगर पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं किंगपू होलोंगी गोपुर तेजपुर गुवाहाटी सब इधर से ही जाते हैं गाइस, चंद्रा नगर हो गए। तो गाइस अभी फिलहाल मैं यही पहुँच गया, अभी यही पूरा पार होकर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही पहुँचेगा, उसके बाद ही ट्यूजडे बाज़ार पहुँचेगा, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना है गाइस। गाइस अभी मैं जहाँ पे कर रहा हूँ राइट साइड से गंगा लेक जाते हैं और उसके बाद जू जाते हैं, लेफ्ट साइड से जाएगा तो आपको चिंपू गुवाहाटी। गाइस यहाँ पे ये देखो, ये आई एम सी का बिल्डिंग के सामने ये देखो गेट, थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो गाइस और यहाँ मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, माय ड्रीम बाइक यार, KTM 390 एडवेंचर वाला गाइस, हमको भी ये लेना है गाइस, तो जल्दी से सपोर्ट करो गाइस। तो चलते हैं, ये बस दिखाना था आप लोग को। इस यहाँ से होलोंगी 16 किलोमीटर है गाइस, देख सकते हैं कि मुझे आगे जाना पड़ेगा और भी आगे जाना पड़ेगा, लगभग एक किलोमीटर, अभी तो एक किलोमीटर समथिंग होगा शायद, बहुत चुके हैं समथिंग। आगे जाने के बाद हमको फाइनली पार्किंग प्लेस मिल चुका है, पार्किंग प्लेस ही नहीं मिला, उधर से पार्किंग प्लेस ढूंढ के आ रहा था तो पार्किंग प्लेस ही नहीं मिला है। अगर आप गाड़ी से आते हो तो बाइक से आओ यार, गाड़ी से आने से आपको पार्किंग ही नहीं मिलेगा ट्यूजडे बाज़ार में गाइस। तो अभी बाइक तो हम पार्किंग करते हैं, अभी जल्दी घुसते हैं। सबसे पहले लीज ही निकाल लेते हैं, हमको इतना लेना है क्योंकि लीज बहुत ज़रूरी है यार, बाद में भूल जाते हैं। चिकन ले लेता है 500 का। ओ गाइस देख सकते हैं अभी, किलो का कैसे लेते थे आप? 350 ना। चिकन इज डन, अभी ड्राई चिल्ली कहाँ मिलेगा हमको, ड्राई चिल्ली आएगा अभी तक भी, कितना हो गया, 4 किलो भी नहीं हुआ है अभी हमको, और बासना करो ना। जैसे भी चिकन हो गया, आलू हो गया, बीन्स हो गया, अभी ओनियन, मिर्च पापड़ और ड्राई चिल्ली भी।
तो गाइस अभी निकल चुके हैं, वहाँ बहुत कंजेस्टेड लग रहा था, बाइक निकालने के लिए भी बहुत कंजेस्टेड। हाँ मेरा पेन फटते फटते बच गया, पता है घर टायर हो गया था गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं, बाजार तो हो गया, शॉपिंग तो हो गया, अभी अभी तो ले ही लिया गाइस, क्या भीड़ है ना गाइस। लेकिन उधर का व्यू देख सकते हैं गाइस, उधर वो पहाड़। तो वैसे अभी चलते हैं, सब कुछ तो ले लिया, अभी कुछ भी नहीं बचे।